Good morning students, in this video we are going to solve question number 7 of exercise 9.1 based on the concept of some applications of trigonometry. So before that we have already done 6 questions, so this is the 7th one. Again here the question is, figure is not given to you, but I already made the figure. The question is, from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of the transmission tower. So this is a transmission tower, AB, iska top aur iska bottom. Top A hai, yahan par B par ye bottom iska tower, transmission tower ka. Aur ye transmission tower kiske upar stand hai? It stands on a building. Ye BC building hamari hai. This is height of 20 meters. So building की height 20 meter पर एक tower है, transmission tower, उसकी height हमने find करनी है और उसकी height को हमने h मान के चल. So this is the top of the tower, bottom of the transmission tower, and this tower is stands on a building which is of 20 meter height, and this is a point on the ground. ये point है ground पर, इस point से दो angles of elevation बन रहे हैं, एक टॉप के साथ और एक बॉटम के साथ, टावर के बॉटम के साथ. बॉटम के साथ बन रहा है 45 डिग्री और टॉप के साथ बन रहा है 60 डिग्री. सो दैट मींस ए सी डी 60 डिग्री है और बी सी डी 45 डिग्री है. होप आपको अंडरस्टैंड कर गए होंगे ये फिगर क्या है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. तो हम लिखेंगे लेट एच, जो रखा हमने हाइट, लेट एच meter be the height of the transmission tower, या tower, simply tower जो AB है. height of building कितनी है, height of the building जो BC है is equal to 20 meters. ठीक है बच्चों, angle ACD 60 डिग्री एलिवेशन है और बी सी डी दैट इज 45 डिग्री. बहुत ही सिंपल क्या करना होता है, सबसे पहले आपको दो राइट ट्राइंगल्स को यूज़ करना है. पहले हम बी सी डी ट्राइंगल लेंगे, उसके बाद ए सी डी ट्राइंगल. इसमें हमेशा आपको राइट ट्राइंगल से ही काम पड़ता है. सो लेट अस मूव फर्दर. सो लेट अस टेक द फर्स्ट राइट ट्राइंगल बी सी डी. तो बी सी अपॉन सी डी किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो बन गया हमारा टैन, एंगल है 45 डिग्री और टैन 45 डिग्री हमेशा 1 के बराबर होता है. सो बी सी अपॉन बी सी कितना है बच्चों आपका, इज गिवन टू यू 20 मीटर्स, तो आप 20 लिख सकते हैं. सी डी इक्वल टू 1, तो सी डी का वैल्यू कितना आया 20 मीटर. सो सी डी 20 मीटर. अब हम दूसरा राइट ट्राइंगल लेंगे, बहुत ही आसान. नाउ इन राइट ट्राइंगल ए सी डी, उसमें ए सी अपॉन सी डी करेंगे, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लेकिन इस बार एंगल चेंज है 60 डिग्री. सो नाउ ए सी, ए सी क्या है बच्चों, ए सी जो आपने क्या है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर अपॉन सी डी, और सी डी की वैल्यू कितनी आई है 20, और टैन 60 क्या होता है रूट 3. यहाँ लिख लेता हूँ मैं, बिकॉज आपका टैन 60 डिग्री जो होता है वो रूट 3, और बी सी का वैल्यू, सी डी का वैल्यू आपके पास 20 आया था. ठीक है ना, ए बी, ए बी तो एच है, हाइट ऑफ टावर ए बी. उसके बाद बी सी, बी सी आपको गिवन है 20 और इज इक्वल टू 20 को रूट 3 से मल्टीप्लाई, तो 20 रूट 3 हो गया. पहुंच गए हम आंसर पर, 20 रूट 3, और इस 20 को राइट साइड ले जाते हैं तो साइन चेंज, तो माइनस 20 हो गया. और h कितना आया आपको, अगर 20 कॉमन ले लें रूट 3 माइनस 1, सो देयर फोर बताइए हाइट क्या आ गई आपकी, h क्या था, h हाइट ऑफ द टावर. देयर फोर हम कह सकते हैं, therefore, hence भी लिख सकते हैं आप, hence the height
height of the tower is 20 under root 3 minus 1 meter. So, ये आपका इसका आंसर आ गया. बहुत ही सिंपल करना होता है, पहले एक राइट ट्राइंगल फिर दूसरा फिर आपका आंसर पर पहुंच जाता है.